ये देखो जरा, पता नहीं ऐसा कौन सा इसकी जेब में खजाना रखा हुआ है जो जेब से निकल करके भाग रहा है। हर चीज की एक लिमिट होती है मम्मी, एक घंटे से पहले से बोल रही है सोजा सोजा सोजा। ये देखो जरा, पता नहीं ऐसा कौन सा इसकी जेब में खजाना रखा हुआ है जो जेब से निकल करके भाग रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बना ही रही हूँ, कौन सा खजाना रख रखा, दे दे मुझे भी। हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू रजवीर ब्लॉग। सो कैसे हैं गाइस आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्टूडियो पर हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मैं तो घर पे था। लास्ट टाइम मैंने घर पर एंड किया था, तो मैं ऐसा हुआ कि मैं क्लास करने के लिए गया सुबह, और क्लास करके मैं सीधा आ गया था स्टूडियो। यहाँ पे मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, वीडियो शूट करने के बाद मुझे जाना है अभी काम पर, मतलब बाहर मुझे काफी सारे काम है छोटे मोटे छोटे मोटे। तो ये मेरे पास सैटरडे संडे ही टाइम है, तो देखता हूँ कि बहुत सारे काम निपटाने हैं तो फिर और दिनों में टाइम नहीं मिल पाता, एंड मोमेंट पे तो वो काम बिल्कुल नहीं होते। तो हिमलता और सिस्टी अभी घर पर ही हैं, तो चलो गाइज अभी चलते हैं। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका था। देख ले, ये ले, छुड़ा रही है। अब कैसे छुड़ा रही है तुम्हें? हाँ अब हटा ले, पहले तो अंदर क्या लगा ये जाले तूने, ये इतने इतने जाले लगा रखे तूने फेस पर। किट्टू ये ले, इधर गई थी ना स्टोर रूम में, जाले लगा लिए ना तूने, अब क्या चाहिए तुझे? किट्टू नहीं मिलेगी, लाओ मेरे को दो। हे गाइस गुड इवनिंग। सो घर गया, घर जाने के बाद मैंने लंच वंच करके मैं बाहर ही हूँ। रिट्टू को गाड़ी सर्विस करानी थी तो वहाँ लेकर गया उसको, जब से अब सीधा उसको फ्री करके, और जैसे मैं अभी आया हूँ अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने थे बहुत टाइम से, अलाइनमेंट वगैरह सारा काम कराना था। तो मेरी गाड़ी खुली पड़ी है उधर पूरे अंजर पंजर उसके। हाँ ये देखो बेचारी के दो पैर चेंज हो रहे हैं, इसका स्पा वगैरह करा रहा हूँ, पॉलिश वॉलिश हो रही है उधर। तो इसको भी ज़रूरत होती है ना, मैं मैनीक्योर पेडीक्योर की ज़रूरत होती है। ये भी 9 साल पुरानी हो गई बेचारी, 9 साल से ज़्यादा, तो अगस्त में ये 10 साल पुरानी हो जाएगी, 10 साल की, बताओ पता भी नहीं चलता टाइम का, कब से ये मेरे पास है सच में। हो गए हैं टायर मैनीक्योर पेडीक्योर, डल गए हैं दो, मतलब क्या ही बोलूं, प्लास्टर करा लिया है क्या बोलूं। और तो अभी चल रहा हूँ, अब देखो रात हो रही है बाहर, आप लोग देख रहे होंगे रात हो गई है मुझे, मैं सुबह से बाहर ही हूँ, बस लंच करके और फिर मैं तुरंत आ गया था बाहर। तो सारा गाड़ी हो गई काम कराया, और अभी एक गाड़ी में एक प्रॉब्लम और मुझे दिख गई है। प्रॉब्लम तो देखो नाम ही नहीं लेती है कम होने का, तो बस हमें चलते रहना पड़ता है, बस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा दो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी को सॉल्व करा दो तीसरी प्रॉब्लम, तो ऐसे ही चलती रहती है। तो चलो हिमलता भी आज बोर हो गई है घर पर अकेली, अब मुझे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और चाय वाय पीनी है, चाय चाय बस की डिमांड हो रही है बहुत देर से। तो चलो सरप्राइज। मेरा फोन डेड हो गया, चार्जर का है इसीलिए कट गया फोन। अब जाके गाइस राहत मिली है, और अभी बज रहे हैं 8 बजने में 5 मिनट, रात हो गई है थोड़ी थोड़ी।
अब जाके चाय ले रहा हूँ मैं और घर पहुँचा हूँ तसल्ली से। ये देखो टाइम देखो, और इधर सिस्टी की पढ़ाई चल रही है। तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 10 बज रहे होंगे ना, टाइम बताते हैं अभी आपको 10:12 हो गए हैं और अभी हम मार्केट में हैं, बाजार में, मंडी में। और ये देखो पीछे पूरी सब्जी उब्जी रखी हुई है, ये पूरी सब्जी वगैरह लेके अभी जस्ट फ्री हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। अब लेते हैं 2-4 फ्रूट्स और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान है, घर पर ही रुकना है या फिर स्टूडियो जाना है, बिकॉज ऑफ कि कल सुबह फिर मेरी क्लास है तो सुबह जल्दी भागना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब वैसे डिनर तो हम यहीं पर ही करेंगे घर पर ही, तो देखते हैं। बताओ आज वैसे क्या कैसा लगा मेरे बिना घर पे? आज ये अकेले रहिए, अकेले मेरे बिना घर पे कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा नहीं लगता। ओह, अब मैं कभी चला गया 4-5 दिन के लिए तो महीने के लिए जाओगे आप 4-5 दिन के लिए? देखो उल्टा ही बोलती है, उल्टा ही बोलती है। जब देखो मैं किस चीज के लिए पूछता हूँ तो उल्टा ही बोलती है, महीने 4-5 दिन के लिए जाओ, महीने के लिए जाओ। आप तो रह ही लेते हो। और गाइस देखो बाजार कितना मतलब सन्नाटा पड़ा है एकदम, अरे शीशा गंदा हो रहा है पूरा, मतलब खाली, मतलब दुकानें बंद हो गई हैं चारों तरफ। तो चलो गाइस सीधा घर पर मिलते हैं आप लोगों से, फ्रूट्स वगैरह लेके सीधा चलते हैं हम। तो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया, हम घर पर ही यहीं पर ही रुक रहे हैं और कल सुबह भागना है। तो घर पे खाना वाना तो हमें घर पर ही खाना था, फिर उसके बाद पहुँचे तो हम 10:15-10:30 बजे तक हम पहुँचे थे यहाँ पे। खाना वाना खा के थोड़ी बातचीत करने में वही टाइम हो गया, तो फाइनली फिर यही हुआ कि हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह सुबह भागेंगे। और इधर मैं और सिस्टी सो रहे हैं कल की तरह, और उधर देखो ये देखो इतनी दूर है सोफे पे, बहुत दूर है ये, और अंदर ना मच्छर खा रहे होंगे तो इसीलिए ना ये बाहर आ गई। कल मैं सुबह उठा ना तो मतलब आज सुबह उठा तो मैंने देखा कि ये यहीं पर ही सोई हुई है, मैंने कहा है ये तो अंदर सो रही थी, ये बाहर कैसे आ गई। और किट्टू हमारी ऐसी करती रहती है, किट्टू देखो पूंछ हिलाई है अभी, किट्टू सो गई। किट्टू चले जल्दी, कितनी जल्दी चलने के लिए, कितनी जल्दी। हाँ बुला लो इसको, बुलावा दे लो आप, सोने मत दिया करो मुझे ऐसे बोल दे। तो गाइस चलो इसी के साथ अभी फिलहाल ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। आई होप कुछ टाइम से आप लोग बोलोगे कि ब्लॉग ऐसे ही आप दे रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं क्रिएट कर रहे, बस इंटरेस्टिंग का सीन बना रहे हैं बस। अभी कुछ दिनों में है ना, मतलब कुछ दिन से थोड़ा सा ये था कि काम का, बहुत सारी चीज़ों का डिस्टर्बेंस चल रहा था, मतलब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी काफ़ी सारी, काम वाम बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मूड बहुत में बहुत बदलाव आया है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे मेरे, मतलब काम को जब एकदम बदलाव आता है ना और आपको पता चलता है चेंजेस हो गए, जो आपने पूरा प्लान सेटअप किया था एकदम से वो बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, तो मूड चेंज होता ही होता है, मतलब मूड ख़राब होता ही होता है। तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा अपने आप को काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग तो हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ को टाइम के साथ ही हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को पंखे की आवाज़ आ रही होगी, ये पंखा चल रहा है बहुत तेज़, अभी तो हमने स्लो कर रखा है तो इसलिए इसकी कम आवाज़ है, नहीं तो और तेज़ कर देना तो ये बड़बड़ बहुत तेज़ आवाज़ है। और ये बहुत पुराने ज़माने का है राजा, मतलब ये समझ लो बड़ी बड़ी जो कोठियाँ होती थी ना, तो उन कोठियों में ये बहुत पुराने ज़माने का, बहुत पुराना, मैं नहीं बता सकता कितना पुराना है। हम बहुत छोटे छोटे थे, 60 के जितने थे हम, तब ये पंखा आया था, तब ये लगा था, सोचो अब हम इतने बड़े हो गए अभी भी ये पंखा चल रहा है, बस टच वुड चलता रहे। तो हाँ सिस्टी रात के है ना 1:15 हो रहे हैं, दादी के साथ एक गेम हो जाए, हर चीज की एक लिमिट होती है, मम्मी 1 घंटे से पहले से बोल रही है सो जा। बच्चे इतना वो नहीं करते हैं कि बच्चे कहना भी मानते हैं, फिर गुस्सा भी कर सकते हैं पापा, ये भी पता है ना। अब लेट जाओ यहाँ पे,
बच्चे इतनी देर तक नहीं जागते हैं, बहुत देर से प्यार से समझा रहे हैं, सिस्टी सो जाओ टाइम कितना हो रहा है। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अवॉइड करना इन सब चीजों को। ये आप लोग जो इन सब चीजों को देखते हो ना, सोच लेते हो कि ये सारी मतलब पूरा दिन ये सब चीजें होती हैं, पर ऐसी चीजें करना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। ये भी एक पार्ट होता है लाइफ का, जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा भी होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए बच्चों के साथ, प्यार भी करना चाहिए, पोलाइट भी रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। तो कभी कभार स्ट्रिक्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है काफ़ी चीज़ों के बदलाव के लिए, सुधार के लिए। होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, जल्लाद बाप नहीं कहलाऊंगा मैं क्यों, सही कहा ना, सही कहा ना, बाय कर दो, बाय गाइस, बाय, गुड नाइट।